स्वागत है ब्रेक के बाद। आपको दिखाते हैं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की शादी की तस्वीरें जो सामने आई हैं। खबर है कि पंजाब में शादी समारोह हुआ और उसके बाद आज दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देखें तो कई सारी ऐसी दिग्गज हस्तियां हैं जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। अगर अब्बास अंसारी की हम बात करें तो कई सारी ऐसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है और इन सब के बीच शादी हुई है अब्बास अंसारी की। एक और बड़ी खबर, नोएडा प्राधिकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के 80 गांव भी नोएडा विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे। प्राधिकरण के प्रस्ताव पर राज्यपाल की सहमति मिल गई है। ग्रेटर नोएडा से आगे बुलंदशहर के इलाके में नया नोएडा बसाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है जिसमें अब नोएडा प्राधिकरण का और ज्यादा विस्तार होगा। तो ये बड़ी खबर है, तो नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्राधिकरण ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। इसमें बुलंदशहर का जो सिकंदराबाद इलाका है, जो सिकंदराबाद तहसील है, उसके 80 गांव अब नोएडा विकास प्राधिकरण के अंदर आएंगे। यानी कि अब जो भी उसका काम धाम होगा सब नोएडा विकास प्राधिकरण देखेगा। तो ग्रेटर नोएडा से आगे बुलंदशहर इलाके में एक और नया नोएडा बसाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत और दिल्ली में किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ रोहित कुमार सिंह बलिया चौक पर धरने पर बैठ गए। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह शहीद पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। रोहित कुमार सिंह ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलती है तेजस एक्सप्रेस फिर से शुरू हो गई है। 14 फरवरी से तेजस एक्सप्रेस चलेगी जो फिलहाल बंद हो गई थी। तो हफ्ते में 4 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। तो तेजस जो इसलिए भी चर्चा में आई थी क्योंकि इसमें एरोप्लेन की तरह, विमान की तरह तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी, तो फिर से शुरू होने जा रही है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड।